हेलो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको आगे के क्लासेस में भी काम आने वाला है। 11th एंड 12th में भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 3D की फॉर्म में करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग बनाते हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं, कोऑर्डिनेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स? तो इमेजिन कीजिए, इस बोर्ड पे अगर मुझे कोई पॉइंट मार्क करना है, सपोज मैंने ये एक पॉइंट मार्क करा, ये तो इस पॉइंट की मैं पोजीशन कैसे बताऊंगा, ये पॉइंट कहाँ पर है? रफली तो आप बोल सकते हैं कि अगर इस बोर्ड को हम चार पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये पॉइंट बोर्ड के लेफ्ट और टॉप साइड में है, ऐसा बोल सकते हैं ना। लेकिन लेफ्ट टॉप में तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, क्या ये इसकी प्रिसाइज एग्जैक्ट लोकेशन है? आंसर है नहीं। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आपको सिखाया गया है कि आप किसी भी प्लेन को क्या कीजिए, किसी भी प्लेन को दो लाइन से डिवाइड कर दीजिए, जिसमें से एक लाइन वर्टिकल लाइन होती है और एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन को आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और अब उसके बाद आप कोई भी पॉइंट अगर मार्क करेंगे, सपोज चलो यही पॉइंट मार्क कर दिया, तो इस पॉइंट की लोकेशन आप एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि इस प्लेन, इस जो हमने प्लेन में जो एक्सिस बनाया है, इसके इस पॉइंट पर है, जिस पॉइंट को आप जानते हैं ओरिजन। और ओरिजन को स्पेसिफिक करने के लिए हम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं 0, 0। ओके, सपोज कोई और एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट है ए, ये पॉइंट यहां से 1, 2, 3 डिस्टेंस पे, यहां से 1, 2 और 3 डिस्टेंस पे। फिर दोबारा से वही सवाल, इस पॉइंट की पोजीशन बताइए। तो अब आपको जरूरत नहीं है कि इस पॉइंट की पोजीशन आप ऐसे बोलें कि ये राइट साइड में टॉप में है, नहीं। अब आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन है, आप बोल सकते हैं कि ओरिजिन से आप 3 यूनिट इधर आइए और फिर 3 यूनिट वाई की तरफ जाइए, तो इस पॉइंट की लोकेशन मिल जाती है 3, 3। ये 3, 3 क्या है? क्या है? तो आंसर है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जैसे ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे ये इसके कोऑर्डिनेट है। ओके, तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझ में आना चाहिए। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। प्लेन में ये पूरा बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। प्लेन में जब हम कोई पॉइंट मार्क करते हैं तो उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, हम कैसे बताते हैं? तो आंसर है, हम प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन चार पार्ट को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन चार पार्ट को कोऑर्डिनेट बोलते हैं और फिर उसकी हम एक पोजीशन देते हैं उसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से, जिसमें हम ये वाला कोऑर्डिनेट को हम हमेशा एक्स और ये वाई, ये हमेशा ऑर्डर में रहता है, आप उल्टा नहीं लिखते हैं। पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, इसको हम एक्स और इसको हम वाई कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट हमें समझ में आ रहा है। ओके, किसी पॉइंट की पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब है? अब एक कोऑर्डिनेट तो हो नहीं सकता, हो सकता है कोई दूसरा पॉइंट गिवन हो भी, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में डील करती है, अगर हम दोनों को ज्वाइन करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें डील कर, ये पूरा एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन जाएंगे, है ना। ज्योमेट्री का मतलब, अगर हम इसको तीसरा पॉइंट भी ले लें तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन रही है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनेंगे, इट कैन बी लाइन, इट कैन बी ट्राइंगल, इनकी बारे में अलग अलग चीज़ें पूछी जाएंगी। ओके, हमारे 10th के सिलेबस में क्या है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमें क्या यूज़ करना है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे 10th के सिलेबस में दो तीन काम है। पहला काम है टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन गिवन कोऑर्डिनेट्स। हमें दो कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, ए और बी, और उसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना होगा। जो हमारा फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, फिर से क्लियर कर दूं, कोऑर्डिनेट्स क्या है? प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन को मार्क करना है तो हमें कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स के बीच में रिलेशंस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, चाहे हमें डिस्टेंस निकालना हो या हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, जिससे हम टू फाइंड द रेशो, टू फाइंड द रेशो इफ अ लाइन इज डिवाइडेड बाय अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट को, एक गिवन लाइन को अगर एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो जो रेशो निकालना है उस रेशो को भी हम इसमें यूज करते हैं। यहां पर जो फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला। सो व्हाट आई वांट टू से, इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें दो फॉर्मूलास को डिटेल में पढ़ना है। वन इज डिस्टेंस फॉर्मूला, वन इज सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट टू लास्ट ईयर पहले हमारे पास एक ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का भी फॉर्मूला हुआ करता था, अब वो नहीं है। ओके तो पहले बड़ा क्लियर हो जाइए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, आपको क्या गिवन होगा। तो इस चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, दो पॉइंट्स के, तीन पॉइंट के, चार पॉइंट्स के, और उनके बीच में आपको रिलेशंस निकालने होंगे। कभी कभी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना होगा, कभी कभी दो पॉइंट के ऊपर एक तीसरा पॉइंट दे देंगे पी, और बोलेंगे ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, या इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो मतलब आप इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स से खेलने वाले हैं। तो अपने माइंड में बड़ा क्लियर कर लीजिए कोऑर्डिनेट्स के बारे में। आप ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ बनाने के लिए भी आप कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते थे। ओके क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। हम इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, उसका प्रूफ करते हैं। लेट अस डू द प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्लियर कर देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें निकालना है, किस लिए यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के बीच में जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, प्रूफ ऑफ डिस्टेंस उनके लिए यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या यूज है, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। चलिए इसका थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ करते हैं। सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है जिसको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिवाइड करा है। एक्स एक्सिस को आप जानते हैं एब्सिस का भी कहा जाता है, और वाई एक्सिस को आपका ऑर्डिनेट कहा जाता है। ओके तो सपोज मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर गिवन। मान लेते हैं वो कोऑर्डिनेट है एक्स वन और वाई वन। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन और वाई वन। और एक दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज बी और उसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। ओके व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन, जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट ए एंड बी। ओके डिस्टेंस फॉर्मूला में इसी तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है, उसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। इस फॉर्मूला को हम पहले डिराइव कर रहे हैं। ए पॉइंट से अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मतलब उसकी पोजीशन बेसिकली क्या है, अगर हम ए पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, तो ये इसका पहला कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वन है ना। और अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये एक्सिस पर वाई वन है पॉइंट दिस वन। यही काम अगर हम यहाँ से भी करें, सो एक्सिस पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स टू को एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वाई टू को। क्लियर। ये ए पॉइंट आपने कैसे मार्क करा था, अगर मैं आपको एक्स वन वाई वन बताऊँ तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे है ना, मार्क तो ऐसे करते हैं ना आप, एक्स वन पे जाते हैं फिर y1 की तरफ मुड़ते हैं पॉइंट आ जाता है, हमने उल्टा करा, हमें पॉइंट गिवन था। हाँ ओके चलिए लेट अस कंप्लीट दिस ट्रायंगल, यहाँ से इसको कंप्लीट करते हैं। ये a था, b था, और ये p है, और ये 90 डिग्री पे हमने इसको मार्क कर लिया। ओके तो हमारा फोकस रहना चाहिए ट्रायंगल ABP के, a b और p पर, और हम इसमें अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल दें तो वही डिस्टेंस है। ABP ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज निकाल दें तो वही हमारा डिस्टेंस है। तो चलो लेट अस फोकस ऑन ट्राइंगल ए बी पी, इन राइट ट्राइंगल ए बी पी। ये ज्वाइन क्यों किया था, यस इसका पर्पस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर ये पूरा डिस्टेंस है एक्स टू है ना, एक्स टू कॉर्डिनेट ऐसे पहुँचते हैं, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस है एक्स वन। तो इट मीन्स ये जो बीच का डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना होगा एक्स टू माइनस एक्स वन। करेक्ट, मैं यहाँ मांग लिख देता हूँ, दिस डिस्टेंस इज एक्स टू माइनस एक्स वन। सिमिलरली यहाँ देखिए ये डिस्टेंस कितना है वाई टू, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये डिस्टेंस कितना है वाई वन, ये वाई टू वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन, तो आपके पास ये डिस्टेंस में आ जाता है वाई टू माइनस वाई वन। बस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी पे अपना फोकस रखिए, उसमें हम ए बी निकालना चाहते हैं, हमने बेस और परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। इन राइट ट्राइंगल ए बी पी में लेट अस फाइंड ए बी, ए बी ए बी विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी विल बी ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर है ना, ठीक है ना। कौन सी थ्योरम लगाई हमने, पी जी टी शॉर्ट लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। चलिए
ए बी ए पी, वॉट इज वैल्यू ऑफ ए पी, पहले मैंने ए पी लिख दिया, ए पी ये रहा, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख रखी है, दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, प्लस वॉट इज बी पी, ये रहा बी पी, बी पी की वैल्यू क्या है, दैट इज वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. दिस इज, दिस विल गिव अस ए बी, एंड ए बी इज द डिस्टेंस जो हम देख रहे थे, जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे, दैट वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जिनके कॉर्डिनेट्स गिवन थे. तो ए बी इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, दिस फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला. अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप x1 माइनस x2 पहले लिख दो या y1 माइनस y2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है. बस हाँ, कोशिश कीजिए फिर भी ऑर्डर मेंटेन कीजिए, कोशिश कीजिए आप x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसे लिखिए. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंट्स के बीच में. इसको कोऑर्डिनेट कीजिए, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर आगे चलते हैं. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. होप आपने डिस्टेंस फॉर्मूला नोट कर लिया. ये इसका छोटा सा प्रूफ है, एग्जाम में कम पूछता है, बट फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलाज की डेरिवेशन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, फिर धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे. ओके, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स, और पॉइंट्स आपको गिवन है. मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ. पहले पार्ट में P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है माइनस सिक्स कॉमा सेवन. ये पहला पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है सिक्स माइनस सिक्स कॉमा सेवन. आप अपने नॉलेज के लिए यहाँ x1 और y1 लिख लीजिए. ये पहला पॉइंट है P, जैसे यहाँ A था ऐसे वहाँ पर P है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है सिक्स एंड सेवन, सिक्स कॉमा सेवन. और सेकेंड पॉइंट है आपका Q, और Q के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है माइनस वन कॉमा माइनस फाइव. ओके, क्यू के कोऑर्डिनेट को हम एक्स टू और वाई टू मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सेकेंड पॉइंट के ऐसे ही माने हुए, वो फिक्स नहीं है. ओके, और एक पार्ट और इसमें कर लेंगे, बी पार्ट, ये वन बाय वन चलते हैं. चलो पहले ये करते हैं. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है. अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इन पॉइंट्स के नीचे x1, y1, x2, y2 लिख दिया, ताकि कोई गड़बड़ ना हो. नाउ वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला वेरी क्लियरली. व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, सीधा लिखते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. बोलिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू. एक बार फॉर्मूला लिखते जाइए बार बार, आपकी कॉल आपको नॉलेज बढ़ेगी, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. अगेन फिर क्लियर कर दूं, यहाँ पर x1 y1 पहले वाले पॉइंट के 1 1 उसको देना है, ऐसा नहीं मिक्स कर दो, इधर x1 कर दो उधर y1 कर दो. नो, फर्स्ट पॉइंट जो है उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स को, जो फर्स्ट पॉइंट है उसी को 1 1 असाइन किए, दूसरे को x2 y2 किए. चलिए लेट अस अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला. हाँ जी बोलिए मेरे साथ साथ में, व्हाट इज x2. ये लिखने का बेनिफिट है आपको, हमेशा आसानी रहेगी. x2 इज माइनस वन, x2 माइनस x1 माइनस माइनस सिक्स, ठीक है, बी केयरफुल. x2 माइनस वन माइनस ये वाला फॉर्मूला का है, और ये माइनस सिक्स इसका है, x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर. देन वी हैव y2 माइनस y1, y2 इज अगेन माइनस फाइव और माइनस y1 दैट इज माइनस सेवन होल स्क्वायर. ओके, यहाँ हमें ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ गई इसकी वजह से. तो चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को. दिस इज माइनस वन माइनस और माइनस प्लस सिक्स एंड इसका होल स्क्वायर प्लस, यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है, दैट इज माइनस फाइव और माइनस सेवन होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं कर ले. यस, चलो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख लेते हैं. दिस इज पी क्यू, सो द पी क्यू इज कितना हो गया, माइनस वन प्लस सिक्स, माइनस वन प्लस सिक्स इज फाइव, फाइव का होल स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस फाइव माइनस सेवन, माइनस फाइव और माइनस सेवन कितना, माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर करो कितना हो गया 144, 144 और 125 कितना होता है अंडर रूट 169, और इसका रिजल्ट आ गया 13
यूनिट्स. सो द आंसर इज 13. सो द डिस्टेंस बिटवीन पी के ओ इज 13 यूनिट्स. मतलब हम ये सीखना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं. ये हमें सिर्फ पॉइंट्स गिवन है, उनकी लोकेशन, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, उनकी लोकेशन गिवन है और लोकेशन की हेल्प से हम इसको डिस्टेंस को निकाल पा रहे हैं. ओके, नोट कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ क्लीन कर दें, यहाँ कर दें. चलिए एक और क्वाड्रेंट लेते हैं, वेरी ग्रेट. अब में ए एंड बी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है. पहला कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी, अब वैल्यूज ना देकर वेरिएबल पे आ रहे हैं. एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज बी प्लस सी. ये ए के कोऑर्डिनेट है, यानी कि दिस इज एक्स वन, दिस इज वाई वन. पेंसिल से नीचे लिख लीजिए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है. एंड सेकेंड पॉइंट बी, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट हैं ए माइनस बी कॉमा सी माइनस बी. ओके, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसको आप एक्स टू और वाई टू ऐसे मार्क कर लीजिए. ओके, पहले इस क्वेश्चन में आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन थी, वहाँ वेरिएबल दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है. ओके, मतलब ग्राफ में ए और बी की टर्म्स में कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. चलिए लेट अस फाइंड द डिस्टेंस. क्वेश्चन वही है, उसी का सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं. तो बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो व्हाट इज ए बी? एक्स टू माइनस एक्स वन. आराम से देखिए, मैंने लिख लिया, उसका फायदा होता है, वरना कई बार जब आप नहीं लिखते तो कन्फ्यूजन होता है. लिख लीजिए, व्हाट इज x2? a माइनस बी x2 माइनस x1. ठीक है, एक छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं, माइनस x1, दैट इज a प्लस बी. ओके, इस पूरे का होल स्क्वायर. आराम से देखो, दिस इज क्या है x2, a माइनस बी, ये क्या है x1, x2, ये रहा x2, ये रहा x1, ये बीच में माइनस फॉर्मूला का है x2 माइनस x1. ब्रैकेट्स के यूज़ को बड़ा जस्टिफाई, बड़ा वाइजली यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि साइन की मिस्टेक्स होती है. अभी तो प्लस का साइन है या माइनस का साइन, ये वाला साइन प्लस का है, जब नेगेटिव साइन होता है तो मिस्टेक होती है बच्चों से बहुत ज़्यादा. तो ब्रैकेट्स को थोड़ा ध्यान से. ओके, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, बताइए वॉट इज वाई टू? वाई टू इज सी माइनस बी माइनस वाई वन, वाई वन इज b प्लस सी, और देन वी हैव होल स्क्वायर. आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं. दिस इज क्या है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस. वेरिएबल में कई बार कन्फ्यूजन आता है, बट आप अपना कंसेप्ट पढ़ के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. चलिए लेट अस फाइंड ए बी. सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर तो बाहर लगा हुआ है, तो पहले सीधा सीधा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, ए माइनस बी, यहाँ माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस ए माइनस बी, यहाँ नेगेटिव होता तो ये साइन चेंज होता, ध्यान रखना है. और इस पूरे का वी हैव होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, एक और वी हैव होल स्क्वायर. चलिए प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, सी माइनस बी, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, माइनस बी माइनस सी साइन चेंज होंगे, एंड इसका भी होल स्क्वायर. कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं, यस, ए और ए कैंसिल हो रहा है, और उधर भी कुछ हो रहा है, यस, प्लस सी और प्लस सी कैंसिल हो रहा है. सो व्हाट इज ए बी? द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए एंड बी, दैट इज डिस्टेंस ए बी इज माइनस बी, और माइनस बी कितना? माइनस टू बी. माइनस टू बी का होल स्क्वायर इज, माइनस टू बी का होल स्क्वायर इज फोर बी स्क्वायर. माइनस बी और माइनस बी सेम है, ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो रहा है. माइनस बी और माइनस बी माइनस फोर बी, ठीक है. इधर क्या आ रहा है? अगेन यहाँ भी आ रहा है माइनस बी और माइनस बी माइनस टू बी. माइनस टू बी का होल स्क्वायर इज फोर बी स्क्वायर. ओके, फोर बी स्क्वायर, एंड फोर बी स्क्वायर इज व्हाट? इज एट बी स्क्वायर. एट बी स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इट इज टू अंडर रूट टू बी यूनिट्स. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, टू अंडर रूट टू बी. बी यहाँ पर बाहर आ गया क्योंकि बी स्क्वायर था, स्क्वायर से बाहर आ गया, एट का स्क्वायर रूट करा टू रूट टू, टू रूट टू बी यूनिट्स. इंटरेस्टिंग बात देखिए इस आंसर में, इसमें कोऑर्डिनेट्स ए भी गिवन था और सी भी गिवन था, बट इस आंसर में कहीं भी ना तो ए आया ना तो सी आया. मतलब डिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है, यहाँ डिस्टेंस बिल्कुल ही अलग आ गया. ओके, इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी बुक से बड़े ईजिली ट्राई कर सकते हैं. मैंने एक थोड़ा सा एवरेज का और एक थोड़ा सा अबव एवरेज करा दिए, बिल्कुल सेम सिंपल पैटर्न क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं. फिलहाल ये नोट कीजिए, पॉज करते हैं, फिर आगे चलते हैं.
हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन की बात करते हैं। अभी तो स्ट्रेट क्वेश्चंस कर लिए, अब इसके थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखिए। शो दैट द पॉइंट्स ए कोमा ए माइनस ए कोमा माइनस ए एंड माइनस रूट थ्री ए, ए के ऊपर रूट नहीं है, एंड रूट थ्री ए आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वर्टिसेस मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट्स जहाँ पर हम बात करें, वर्टिसेस आप समझते हैं, मतलब ये तीन हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एक्चुअली में ये फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट या सेकंड पॉइंट का वर्टिसेस के ही कोऑर्डिनेट गिवन है, और आपसे कह रहे हैं कि शो कीजिए क्या ये वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या ये वर्टिसेस, समझ लीजिए आप तीन पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट ए है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ए कॉमा ए, एक पॉइंट यहाँ गिवन है बी जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा माइनस ए, और एक तीसरा पॉइंट गिवन है सी जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस अंडर रूट थ्री ए और अंडर रूट थ्री ए। आपसे पूछ रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स को देखें तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, कैसे पता लगेगा? तो बड़ा सिंपल है, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालें, अगर डिस्टेंस बिटवीन हम बी सी निकालें और डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकालें, और डिस्टेंस अगर सेम आ जाए तो यस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा और ये तीनों उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस कहलाएंगे। तो दिस इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर? आपको तीन वर्टिसेस गिवन है ए बी और सी, और आपको इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलो वन बाय वन करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। जब हम ए बी निकाल रहे होंगे तो उस केस में हम यहाँ पर पेंसिल से इसके नीचे एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू यहाँ लिख लेते हैं, फिर चेंज करते रहेंगे। चलिए, तो फिर दोबारा से हमें पता करना है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, एरिया हम बाद में निकालते हैं। सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी बी सी और ए सी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज ए बी, सीधा लिख दूं, अब तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, बोल सकते हैं आप मेरे साथ में, x2 टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। x2 टू वाई टू हमने लिख लिए इनके नीचे, तो चलो लेट अस राइट, x2 टू माइनस एक्स वन बोली साथ साथ में माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर, x2 टू माइनस ए, एक्स वन भी यहाँ पर a है, ये कॉमा लगा हुआ है, इसको ए वन मत समझिए, ऐसे कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, ये भी कॉमा, हाँ। सो व्हाट इज एक्स ए बी, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई टू इज माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, ओके, ये माइनस का साइन फॉर्मूला का है, बाकी वो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फास्ट करें, थोड़ा फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, माइनस ए और माइनस ए कितना, माइनस टू ए का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, टू ए का स्क्वायर करेंगे फोर ए स्क्वायर हो गया, दिस इज फोर ए स्क्वायर, माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया अगेन माइनस टू ए, उसका भी स्क्वायर करेंगे सेम फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूट में एट ए स्क्वायर, एट ए को सॉल्व करा तो टू अंडर रूट टू ए यूनिट्स, आंसर इज टू अंडर रूट, अभी पिछले वाले कितना था ना टू अंडर रूट टू ए, ये हमारा डिस्टेंस ए बी के बीच में टू अंडर रूट टू यूनिट्स आ गया। ओके, चलिए अब हम लगाएंगे बी सी के लिए, दोबारा से इसको क्योंकि मैंने कहा पेंसिल से लिख लीजिए, हटा दीजिए। अब बी सी के लिए ये वाला एक्स वन हो गया, ये वाई वन हो गया बी के कोऑर्डिनेट, और ये एक्स टू, ये फिक्स नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, आप नए नाम भी ले सकते थे, एक्स थ्री वाई थ्री ले सकते, लेकिन अननेसेसरी क्यों बढ़ाना, और आप इसको भी वन एक्स वन वाई वन ले सकते हैं, बट ऐसा मत करना कि ये एक्स वन ले लिया और इधर वाई वन लेना, ये नहीं लेना, इसी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट सेम रखने हैं। चलिए, तो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, बी सी एक्स टू माइनस एक्स वन, वट इज एक्स टू, माइनस अंडर रूट थ्री ए माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वट इज वाई टू अंडर रूट थ्री ए माइनस वाई वन, वट इज वाई वन, माइनस का है, माइनस का है तो वहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, पता ना, ये माइनस है फिर आगे भी माइनस है, तो सीधा हमने क्या लिख दिया, माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर से चेक करें, ठीक लिखा है, x2 माइनस x1, माइनस के अंडर रूट थ्री ए माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर जो था वो बीच, इस माइनस को बीच वाले माइनस ने प्लस कर दिया। अभी यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप केयरफुली देखें, आपको माइनस को अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर तो माइनस आपको तंग कर रहा है, तो एक काम कीजिए, माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, वो माइनस कॉमन लेगा इन इस दोनों वैल्यू से और उस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो बन जाएगा प्लस, दिखाता हूँ कैसे, मैं कहना चाह रहा हूँ
बी सी इज इक्वल टू बेसिकली अगर आप अंदर में माइनस एक कॉमन ले लेंगे ऐसे करके, तो अंदर में हो जाएगा अंडर रूट 3a प्लस a और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस। तो अगली बार से कभी ऐसे दोनों टर्म में माइनस आए तो आप सोचिए स्ट्रेट, अभी हमने कॉमन ले लिया और ये टर्म बन गई आपकी अंडर रूट 3a प्लस a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, उस माइनस को बाहर ले गए, उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, उस माइनस के ऊपर भी स्क्वायर था ना, प्लस अगेन ये कितना हो गया, दिस इज सेम टर्म है, ये भी सेम बन गई है अंडर रूट 3a प्लस a का होल स्क्वायर। चलिए एक को ओपन कर लेते, दूसरे का रिजल्ट सेम मिलेगा, तो हम ओपन करने के लिए फॉर्मूला आएंगे, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर रूट 3a का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, ए का स्क्वायर है थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए, दैट इज अंडर रूट थ्री ए इंटू ए। ओके, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, इधर आ जाइए प्लस, सेम बनेगा दोबारा तो जरूरत नहीं है, थ्री ए स्क्वायर सेम रिपीट कर लेते हैं, थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट थ्री ए इंटू ए। ओके ठीक है, यहाँ तक चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे, वैल्यूज को लिखते हैं, नोट करते हैं, चेक कर लेते हैं ठीक चल रहा है हमारा क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चेक कर लीजिए कोई वैल्यू तो नहीं गड़बड़ हो रही है, एक बार दोबारा से एक्स टू माइनस, यहाँ मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है, यस गड़बड़ क्या हुई है, एक्स टू माइनस एक्स वन का जब हम होल स्क्वायर कर रहे थे तो यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, यहाँ प्लस आना था। ओके ये करेक्शन करनी पड़ेगी, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो सुनो देखो ना ये क्या है, माइनस के रूट थ्री है और यहाँ पर क्या है माइनस के, तो पीछे माइनस था यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। ओके ठीक है, तो फिर तो माइनस कॉमन लेने वाला कंसेप्ट हट गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये लाइन हटा दीजिए, फिर तो माइनस कॉमन लेने का चक्कर ख़त्म हो गया है और ये माइनस बचा हुआ है। ओके ठीक है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो इसको अब कंटिन्यू करते हैं, इधर कर लेते हैं, नहीं लिखते बी सी, चलिए बी सी इज इक्वल टू, कंसेप्ट सेम है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना, यही साइंस के ही मिस्टेक्स होती हैं, तो इट इज़ ए का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब टू इंटू ए इंटू बी लगा रहे हैं, देखो ध्यान से टू इंटू माइनस के रूट थ्री ए इंटू ए, है ना, रूट थ्री कटना चाहिए ना, तभी तो बनेगा क्वेश्चन, ए स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री ए स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, ए का स्क्वायर ए हो गया, प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, आगे आ जाइए यहाँ पर प्लस का साइन लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट थ्री ए इंटू ए। ओके अब आप कैंसिलेशन देखिए, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, ये कैंसिल हो गई, ये इंपॉर्टेंट था कैंसिल होना, ये बना थ्री ए स्क्वायर और वन ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर, इधर भी फोर ए स्क्वायर, टोटल हो गया एट ए स्क्वायर। सो यहाँ करते हैं कंटिन्यू, सो बी सी इज नथिंग, इट इज अंडर रूट एट ए स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो फिर पिछली बार की तरह एट का अंडर रूट होता है टू रूट टू ए, टू रूट टू ए, ठीक है, ए बी बी सी, सिमिलरली अब आप ए सी खुद से निकालिए और आप देखेंगे उसका भी आंसर टू रूट टू आएगा। ओके ए सी के लिए आप क्या करना, ए सी के लिए ये कॉर्डिनेट आपके एक्स वन वाई वन, ये हो जाएंगे एक्स टू वाई टू, तो जब ए सी की वैल्यू भी टू रूट टू ए आ जाएगी तो आप आराम से कह सकते हैं कि यस ये तीनों जो कॉर्डिनेट्स थे दे बिलोंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये अब प्रूव हो चुका है दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये प्रूव हो चुका है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है अंडर रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड स्क्वायर, वट एवर द साइड, वट एवर द साइड, तो यहाँ पर साइड, साइड का मतलब साइड की लेंथ है, तो साइड की लेंथ ऑलरेडी हम निकाल रहे हैं, दैट इज टू रूट टू ए, सो दिस इज टू अंडर रूट टू ए का होल स्क्वायर। ओके तो दैट इज अंडर रूट थ्री बाय फोर इंटू, स्क्वायर कीजिए इसका, टू रूट टू का स्क्वायर वापस एट बन गया, एट ए स्क्वायर,
एट ए स्क्वायर, फोर से कैंसिल कीजिए, सो एरिया इज टू अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये खुद से कैलकुलेट कीजिए और ये एरिया हमने निकाल दिया है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ट्राइंगल की सिचुएशन गिवन थी, ये अलग अलग सिचुएशन आपको दे सकता है। अभी तीन की जगह चार पॉइंट से देगा और पूछ लेगा कि चेक करो स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, रोहम्बस बोल सकता है, रेक्टेंगल बोल सकता है, इन सब में डिस्टेंस फार्मूला से लगा सकते हैं। आप ये नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है, पॉज कर रहे हैं वीडियो।